महुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुनेश्वर सहनी ने अपना नामांकन दर्ज किया था। आपको बता दें कि स्कूटनी में किसी कागज की गड़बड़ी की वजह से उनको अपना कागज पूरा करके जमा करने का समय दिया गया था। बीते दिन वह समय से 2 घंटा पहले महुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंच गए। उनका आरोप है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई विधि व्यवस्था न होने के कारण हमारा नामांकन को रद्द किया गया। क्या हुआ है? हुआ यार सर कि हमको बुलाया गया कि आप 11 बजे से पहले आप पूरे फाइल को और आपको मतलब सर्टिफाइड कॉपी है उसको जमा किया जाए। हमने 9:30 बजे आए और अंदर जब घुसे तो अंदर में कोई भी मतलब अवेलेबल टेबल पर किस पर मैं जमा करूं या कहां दूं, किसी से अगर पूछे भी तो कोई नहीं बता रहे थे कि ये फाइल यहां जमा कीजिए। हम 11 बजे DM साहब आए डायरेक्ट बैठ स्कूटनी पे, ठीक है, SDO साहब स्कूटनी पर बैठे और उन्होंने ये भी नहीं पूछे और टाइम भी नहीं दिए 10 मिनट का कि आपके पास अवेलेबल पेपर अगर है तो वो दिया जाए, ये भी नहीं टाइम दिए। डायरेक्ट उन्होंने बोले कि आपका नॉमिनेशन रद्द किया जाता है। नामांकन कब किए थे आप? नामांकन हमने 16 तारीख को किए। 16 तारीख को किए जी। तो क्या कौन सा लेटर आप लोग को जमा करने के लिए दिया? एक बैंक का खाता जो नए खुलानी थी और दूसरा जो जिला अभिलेखक हाजीपुर मतलब वैशाली से मतलब वो स्थाई करा के लाना था और एक छात्री का मोहर, तो मोहर बचा हुआ ये 3 चीज़ थे। आप कितने बजे यहाँ पहुँच गए थे? यहाँ पर हमने 9:30 बजे पहुँच गए थे। तो आपने पता नहीं लगाया था यहाँ पे? ये पता लगाया लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं, ना बताया हमको कि हाँ इस टेबल पे आपको फॉर्म जमा करना है। तो अब क्या करें, आपका नामांकन रद्द हो रहा है तो अब क्या करेंगे आप? अब करना क्या है? क्या चुनाव आयोग के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर सहनी। कहाँ से नामांकन किए थे, किस क्षेत्र से? महुआ 126 विधानसभा क्षेत्र से किए थे। निर्दलीय उम्मीदवार हैं? निर्दलीय उम्मीदवार हैं।